स्टूडेंट्स बेटा, इससे पहली वाली वीडियो में यानी फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इस चैप्टर की रीडिंग कराई थी वाक्य की, और चैप्टर की रीडिंग करा दी थी। अब थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आप समझने का प्रयास करिए जिससे आप बेटर कर सके। तो अब सबसे पहले आता है वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है, सब जानते हैं, लेकिन आप याद नहीं रखते, आप भूल जाते हैं, इसलिए दोबारा से रिवाइज कराना पड़ता है, दोबारा से बताना पड़ता है। वाक्य आप जानते हैं, वाक्य से वाक्य क्या है? भाषा की वो सॉरी दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब आपने भाषा पढ़ी होगी, भाषा किसे कहते हैं? यानी हमारे जो विचार हैं, हमारे आपके विचार हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करना ही भाषा कहते हैं। भाषा में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, जैसे आ ए यू ये सभी, या गा घा गा, ये सभी वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, क्योंकि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो ध्वनि चिन्ह होते हैं वही वर्ण होते हैं, उन्हीं वर्णों को वही वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद आता है शब्द। आप शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई, उसके बाद शब्द। अब शब्द को किसे कहते हैं? यानी दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, राम, कमरा, छत, पक्षी, ये सभी शब्द हैं। अब आता है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम विद्यालय में पुस्तक पढ़ता है, राम छत पर बैठा हुआ पुस्तक पढ़ रहा है, यानी किसी तरीके से वाक्य को कह सकते हैं, शब्दों का अलग अलग मिलाकर हम वाक्य को कह सकते हैं। तो इसे कहते हैं वाक्य। वाक्य यानी वाक्य की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। समझ आ गया वाक्य? अब इसके बाद आता है वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं? वाक्य के अनिवार्य तत्व तीन। कौन कौन से वाक्य के अनिवार्य तत्व? आकांक्षा, योग्यता और कर्म, ये वाक्य के तीन अंग हैं। सबसे पहले आता है आकांक्षा। वाक्य में आकांक्षा क्या है? आकांक्षा किसे कहते हैं? आकांक्षा का मतलब क्या होता है? आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। आकांक्षा का मतलब क्या है? इच्छा। इच्छा ही वाक्य को बनाती है। जैसे है राम पढ़ता है। अब राम क्या पढ़ता है? अगर प्रश्न पूछ लिया जाए राम क्या पढ़ता है, तो राम पढ़ता है। इसलिए हमारी क्या है? उसकी इच्छा है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ता है, उसकी इच्छा है पढ़ने की, तो वो पढ़ता है। तो ये यहाँ आकांक्षा होगी। अब आकांक्षा में और भी, जैसे पक्षी उड़ता है, पक्षी का मन है उड़ने का, तो उड़ रहा है, इसलिए आकांक्षा यानी इच्छा। आकांक्षा इच्छा, आकांक्षा को ही हम इच्छा कहते हैं। दूसरा आता है योग्यता। वाक्य में योग्यता भी बहुत आवश्यक है। जैसे योग्यता का मतलब होता है कि वाक्य की क्षमता क्या है, वाक्य में क्या योग्यता है, उसकी क्षमता क्या है। जब वाक्य का अर्थ पूरी तरह से हमें समझ आता है, किसी बात कोई बात हमारी पूरी तरह से समझ आ जाती है, किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, तो वो वाक्य की योग्यता होती है। जैसे घोड़ा घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता तो है, घोड़ा सिर से दौड़ता है, घोड़ा ऊंट से दौड़ता है, घोड़ा पैर से दौड़ता है। अब सही बात क्या होगी? घोड़ा पैर से पैरों से दौड़ता है। क्या घोड़ा ऊंट से दौड़ता है? नहीं। क्या घोड़ा सिर के बल दौड़ता है? नहीं। ये दोनों गलत है। तो क्या सही क्या है कि वाक्य सॉरी घोड़ा पैरों से दौड़ता है। तो ये वाक्य क्या है? ये इसकी योग्यता होगी। ये सही वाक्य है कि घोड़ा पैरों से ही दौड़ता है। दूसरा आता है बच्चों क्रम। क्रम का मतलब होता है कि वाक्य में जो शब्दों का क्रम है, पदों का क्रम है, वो निश्चित होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिससे बात स्पष्ट हो जाए। जैसे उसने पढ़ी वही किताब वही, उसने पढ़ी किताब वही। अब ये अलग अलग टुकड़े लग रहे हैं शब्दों के, अलग अलग
वह किताब पढ़ी तो अर्थ स्पष्ट हो गया, शब्दों को क्रम से हमने लगा दिया, उसने वह किताब पढ़ी, ये शब्दों का क्रम है। तो इसे बोलते हैं शब्दों का क्रम, यानी सही क्रम में शब्द, सही क्रम होने चाहिए। जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं या वाक्य को बोलते हैं तो उसका क्रम भी सही होना चाहिए। मैं जाता हूं अभी विद्यालय, अब हमने अलग अलग दिया, मैं अभी विद्यालय जाता हूँ, एक साथ में वाक्य थी और समझ में आ रहा है कि हाँ वह अभी विद्यालय जाता है, तो इसलिए शब्दों का क्रम है। तो वाक्य बनाते समय बच्चों को शब्दों का क्रम भी सही होना चाहिए, तभी पूरी बात स्पष्ट हो सकती है और तभी वह उसका जो वाक्य है वो सही हो सकता है, अन्यथा वो वाक्य अशुद्ध होगा, अस्पष्ट होगा। ओके, अब आते बच्चों वाक्य के घटक, वाक्य के घटक यानी वाक्य के अंग, वाक्य के अंग को हम वाक्य के अवयव भी कह सकते हैं, वाक्य के घटक भी कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि वाक्य के घटक कौन कौन से हैं, या वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, या वाक्य को और किस नाम से जाना जाता है, वाक्य के अंगों को और किस नाम से जाना जाता है। तो वाक्य के अंग क्या है, वाक्य के अंग, वाक्य के अवयव या वाक्य के घटक। वाक्य के अंग कितने हैं, अवयव कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, उद्देश्य और यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ाती है मैम, तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, लास्ट क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। वाक्य के दो घटक हैं, वाक्य के दो अंग हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी कितने हैं, दो। कितने हैं, कौन कौन से हैं, उद्देश्य और प्रेरणा यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन सा होता है, उद्देश्य कौन सा होता है, उद्देश्य में बात को करने वाला, कहने वाला, काम को करने वाला ही उद्देश्य होता है, जिसमें या संज्ञा हो सकती है या कोई सर्वनाम भी हो सकता है। उसके बाद विधेय है, तो विधेय क्या है, विधेय क्रिया कर्म, ये सभी विधेय के अंतर्गत आते हैं। तो उद्देश्य जैसे राम पढ़ता है, जैसे तुमने वाक्य लिखा राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, ये पढ़ता है, ये क्या है, वाक्य है, राम पढ़ता है, तो इसमें राम क्या है, ये उद्देश्य है राम, और पढ़ता है क्या है, विधि, ये विधि है, सॉरी पढ़ता है, पढ़ता है, ये क्या है, विधेय हो गया, ये विधेय हो गया, राम उद्देश्य और विधेय पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है, ये विधेय हो गया। इसी प्रकार से और भी कोई भी वाक्य बोल सकते हैं आप, पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी क्या है, उद्देश्य हो गया, उड़ते हैं, विधेय हो गया। छात्र विद्यालय जाते हैं, तो छात्र उद्देश्य और विद्यालय जाते हैं, विधेय। तो ऐसे ही हम किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, दो घटक होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। बच्चों आगे का जो अगर आगे के जो इसके पार्ट्स रह गए हैं वाक्य के बारे में और जो कुछ मुझे बताना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, रिव्यू कराया है, उसका ध्यान दीजिए और बच्चों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू।